सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए बायोकेमिक नंबर 14 आपको बताने चला हूँ। बायोकेमिक 14 इसके बारे में आपको बताऊं, आप पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चले मैं आपको बताता हूँ बायो प्लस जे नंबर 14 का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस बीमारी के लिए ये इस्तेमाल होती है। बायो 14 खसूसी तौर पे मीजल्स यानी खसरा, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खसरा जो है ये एक वायरस रबेला, उससे ये पैदा होता है और इस वायरस की वजह से 3-4 दिन के बाद बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर रैशेस सुर्ख रंग के आना शुरू हो जाते हैं और बुखार आना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ नाक से पानी, आंखों से पानी और खांसी का मरीज शिकार हो जाता है। ये वायरस जब बॉडी पे रैशेज आना शुरू हो जाते हैं उससे 3-4 दिन पहले ही इसका अटैक हो जाता है और 3-4 दिन के बाद जिस्म में इसका अजहार शुरू होता है और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये वापस होना शुरू हो जाती है इसकी तकलीफ, और 14 दिन तक यानी 1 हफ्ता या दूसरा हफ्ता, 1 वीक या 2 वीक, उसमें जाके ये अलामात जो हैं अपनी बेहतर करना शुरू कर देता है। जब कभी आपको बच्चों में या बड़ों में खसरा की अलामत पाई जाए तो आप बायो प्लस जे नंबर 14 का इस्तेमाल करवा के मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। ये मुरक्कब जो बायोकेमिक में बायो 14 के नाम से बना है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। खाने में भी ये बहुत आसान दवाई है, मीठी मीठी गोलियां हैं जो कि आप बड़े आराम से इसको बच्चों में और बड़ों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अंदर वो मेडिसिन जो बायोकेमिक की मेडिसिन है इस्तेमाल की गई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बायो प्लस जे 14 जो कि खसरा की खसूसी दवा बनाई गई है, इसमें 3 मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया है। उसमें नंबर 1 फेरमफास, नंबर 2 कालीम्योर और नंबर 3 काली सलफ। यानी फेरमफास, कालीम्योर और काली सलफ ये 3 अद्वियत का मुरक्कब है जो कि 3x में इस्तेमाल की गई है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुरक्कब बना हुआ है। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वस्सलाम।